जी आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम संजना है। क्या मामला है आज आप महिलाओं के साथ? हमारा यही मामला है कि जो हम सिटी वार्ड नंबर 3 से हम जिला पंचायती सदस्य पद हेतु पर लड़ रहे थे और हमारा उसमें कोई चुनाव चिन्ह भी नहीं है। और जब हम जिस दिन वोट पड़ने वाला था 26 तारीख को हम जाकर पोलिंग पे देखे तो वहाँ पर मेरा ना चुनाव चिन्ह था ना मेरा नाम था। और मेरे सदस्य भी लोग जाकर देखे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तब उसके बाद में हमने वहाँ पे दो अधिकारी थे बोले कि आप यहाँ मैडम आपका कुछ भी नहीं होगा, आप DM के पास जाइए। तो हमने कचहरी पर गए, DM कार्यालय बंद था। हमने कंट्रोल रूम पर भी गए, वहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम वहाँ पे सुनकर हम देखकर हम अपना ऐसा ये तरह रो रहे थे कि हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें, हमारा कुछ समझ में नहीं, मेरा कागज़ कहाँ गया। इस संबंध में आपने कहीं किसी को ज्ञापन वगैरह कुछ दिया? हमने किया था, वहाँ पे कुछ अधिकारी हमारी बात सुनने में इनकार किए थे। फिर उसके बाद में जब हमने दो मीडिया वाले बुलाने का जब कोशिश की वहाँ पे जाकर, तब वहाँ से एक अधिकारी निकल कर आए, फ़ोन किए कि संजना तुम कहाँ हो? हम कहा कि हम आप कचहरी में है। तो कचहरी में आए हमसे मिले कि संजना तुम्हारा नंबर है, आपका वार्ड नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। तो सर ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, हमारा वार्ड नंबर 3 से भरे तो 1 में हमारा कैसे चला गया? सारा हमने प्रचार भी किए, परिश्रम भी अपना किए, संघर्ष अपना 3 में किए, हमारा 1 में कैसे चला गया? हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा, हमको कागज़ हमारा सारा वार्ड नंबर 3 से भरा गया है। हम DM के पास भी पत्र वाल दिए हैं और एक हाथ में उनको डायरेक्ट रिसीविंग थमाए हैं कि चेक कर लीजिए सर, और लेटर पूरा जारी कल हम करवाए हैं वकील से मिलकर। और मेरा कोई जब कुछ सुनवाई नहीं होगा तो हम कानून का दरवाज़ा या तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।